इस वीडियो में हम सीखेंगे सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में कि मार्केट में किन किन नामों से ये टेबलेट आसानी से मिल जाती है, कितनी स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, इस टेबलेट का यूज किस किस बीमारी में किया जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टेबलेट के कुछ फेमस ब्रांड नेम, जिसे कि मार्केट में हमें आसानी से मिल सके। तो इस टेबलेट का जो सबसे फेमस ब्रांड नेम है वो है सिप्लाक्स टेबलेट, जोक्सान टेबलेट, सिप्रो टेबलेट और सिफ्रान टेबलेट। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी सस्ता मिले उसे खरीदा जा सकता है। केवल कंपोजिशन सिप्रोफ्लोक्सासिन होना चाहिए। बढ़ते हैं इस टेबलेट के यूज की तरफ। इस टेबलेट का यूज यदि कोई पेशेंट है जिसे मिक्स बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा फर्स्ट लाइन थेरेपी में सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज किया जाता है। किसी पेशेंट को डायरिया हो रही हो तो डायरिया को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज काफी किया जाता है। कोई पेशेंट है जिसे बोन इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे हड्डी जॉइंट में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज किया जाता है। किसी पेशेंट को ईयर इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे ईयर में सूजन हो गई हो, कान में दर्द हो रही हो या कान से पस आ रही हो, तो इस ईयर इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज काफी किया जाता है। किसी पेशेंट के प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ गई हो, इसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज किया जाता है। कोई पेशेंट है जिसे टाइफाइड बुखार हो गया हो, टाइफाइड बुखार के सिम्टम्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। टाइफाइड बुखार में 103 से 104 फारेनहाइट तक बुखार आना, पेट में दर्द होना, दस्त लगना, कमजोरी होना, इस प्रकार के सिम्टम्स टाइफाइड बुखार के होते हैं, तो इस बुखार को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा सिप्रोफ्लोक्सासिन सेकेंड लाइन थेरेपी में यूज की जाती है। कोई पेशेंट है जिसे यूटीआई हो गया हो, यूटीआई जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब से पस आना, इस प्रकार के सिम्टम्स यूटीआई के होते हैं, तो यूटीआई को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज किया जाता है। कोई पेशेंट है जिसे घाव, फोड़ा, फुंसी या किसी भी प्रकार के टांके लगे हों, उनमें पस पड़ गई हो, तो इन सभी प्रकार के पस को सुखाने के लिए डॉक्टर के द्वारा सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज किया जाता है। हो सकता है इन सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज करें तो कर सकते हैं। बढ़ते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट के साइड इफेक्ट की तरफ। सामान्य रूप से इस टेबलेट के किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, फिर भी जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं उनमें से नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, हार्टबर्न, यदि या इसके अलावा भी किसी भी प्रकार के सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट के साइड इफेक्ट दिखें तो इस टेबलेट का यूज बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। बढ़ते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट के डोज की तरफ। ये टेबलेट 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक की टेबलेट दिन में दो बार डॉक्टर के द्वारा खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। हो सकता है डोज को कम या ज्यादा डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार और पेशेंट की कंडीशन के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितने दिनों तक डॉक्टर आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन लिखें या जितनी डोज डॉक्टर आपको दें, उतनी ही मात्रा डॉक्टर की सलाह से लें, खुद से इस टेबलेट का यूज ना करें। यदि किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा का यूज करें। तो दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट की यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।